अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं सॉफ्ट सॉल्यूशन की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप के फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर हैं, एक ही बिल्डिंग एक ही नेटवर्क पर मौजूद हैं, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या ज़्यादा कंप्यूटर हैं, किसी आप घर में हैं या ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो आप दूसरे कंप्यूटर को अपने एक कंप्यूटर आपकी एक लोकेशन पर है, दूसरा दूसरी लोकेशन पर है, तो सेकेंड कंप्यूटर को आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बार बार फॉर एग्जांपल किसी कोई भी डाटा है आपका, उस पर आपका कोई काम कर रहा है या कोई आपका साथी काम कर रहा है, जिस तरह ऑफिस में होता है, तो बार बार आपको उठ के दूसरे पीसी पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने कंप्यूटर पर ही बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारी फंक्शनैलिटी उसकी परफॉर्म कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डन फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो इसमें बहुत इजी है, ये विंडो में ये फंक्शनैलिटी मौजूद होती है। हमारे विंडो में बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐसी मौजूद हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं होता। मुझे खुद इतने ज़्यादा का पता नहीं है क्योंकि मैं भी आपकी तरह लिमिटेड ही नॉलेज है मेरे पास भी, तो जिन जिन का मुझे पता चल रहा है वो मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो रिमोट नेटवर्क पे, इसमें नेटवर्क पे कंप्यूटर है अगर आपका लैन के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्विच होता है नेटवर्क का स्विच, तो जहाँ तक नेटवर्क का स्विच है, जहाँ तक आपका जो भी कंप्यूटर है उसको आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट है तो वाईफाई आपकी जहाँ तक जा रही है वाईफाई की एक्सेस है वहाँ तक। नॉर्मली नेटवर्क स्विच की जो होती है 300 मीटर तक होती है, उसकी लैन केबल के ज़रिए जो हम जोड़ते हैं, तो 300 मीटर तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लोकेशन में या किसी की भी इसी तरह की हो सकता है सीन कि मेरा एक कंप्यूटर जो है ना वो छत पे कमरे में पड़ा हुआ है, तो उसमें मैंने कोई भी काम करना है तो बार बार मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, उस पर जाके जो भी कोई काम करता है, तो मैं अपने लैपटॉप पे जहाँ भी अपने उस नेटवर्क पे मौजूद हूँ, मैं उस कंप्यूटर को एक्सेस करके अपना सारा काम यहीं से कर सकता हूँ। तो उसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। उसको आपने सिंपल करना क्या है, माई कंप्यूटर में जाना है, दोनों कंप्यूटर जितने भी आपने कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस करने हैं उसके माई कंप्यूटर में जाना है, आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसमें ये आया रिमोट सेटिंग, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा था ये वाला, ये है रिमोट सेटिंग, इस पे जाना है आपने और ये अलाउ कर देना है, अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, ये अलाउ करके आपने सेव कर देना है। ये मेरा अलाउ हुआ हुआ है, ये आपने सेव कर दिया। जितने भी कंप्यूटर को आपने रिमोटली एक्सेस करना है और उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, अगर नाम मालूम नहीं है तो आईपी एड्रेस से आप आईपी एड्रेस मालूम कर लें, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस आपको यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से आप अपने भेजें, आईपी एड्रेस आप इसका चेक कर लें और उसके ज़रिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि दूसरे कंप्यूटर को मैं एक्सेस करने लगा हूँ, आपने जाना यहाँ पे रिमोट, ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐप, ये एवरी विंडो में होता है, ये देखें। अब मेरा उस पीसी का अगर आपको नाम मालूम है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख लें, अगर आईपी मालूम है तो आप आईपी उसका लिख के इंटर करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ये अब क्या कर रहे हैं, ये अभी देखें मेरे दूसरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप मेरे पास आएगी, जो कि मेरे छत पे पड़ा हुआ है, छत पे किसी कमरे में भी पड़ा हुआ है या नेटवर्क पे कहीं भी पड़ा हुआ है, उसकी सारी आ रही है। अब ये मेरा अपना कंप्यूटर है जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ और ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है जो छत पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल इससे मैंने कोई चीज़ कॉपी करनी है, ये है एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस, ये मैंने कॉपी करना है उस कंप्यूटर से, तो दूसरी जो है सूरत उसमें मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ से मैं यूएसबी लेके जाऊँ छत पे 35 सीढ़ियाँ चढ़ के और उस पे जाके जो है मेरी 35 से आपकी हो सकता है ऐसे भी ज़्यादा हूँ, तो उस पे जाके मैं वहाँ से जाके उसको कॉपी करूँ और फिर उसको लेके आऊँ और इस पे कंप्यूटर करूँ, फिर मैंने यहाँ से कुछ कॉपी करना है उधर जाऊँ, फिर ये इससे काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसके ज़रिए आप जस्ट ये कॉपी करें, इसको मिनिमाइज करें और यहाँ पेस्ट करते हैं, जस्ट एक सेकंड का काम आपने कर लिया है। और इससे कोई चीज़ आपने वहाँ पे भेजनी है, ये हमने अपना लोगो भेजना है उस पे, तो ये कॉपी करें, ये इसकी डेस्कटॉप पेस्ट करते हैं, जस्ट इतना इजी काम हो गया आपका। अब इसके इसके आपको कंप्लीट एक्सेस है, इसमें कोई आपने सेटिंग करनी है, आप दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं, एक आपका वेबसाइट है या कोई सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, तो आपने दूसरे कुलीग को कोई बताना होता है कुछ करना है, तो आप उसका सेम कंप्यूटर आपके पास ऐसे है कि आपका कंप्यूटर उसका कंप्यूटर आपके पास आ जाता है या आपका कंप्यूटर उसके पास चला जाता है। ये माई कंप्यूटर, उसमें आपने हमने खोल लिया है, इसमें जो जो हमारा पड़ा हुआ है ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, जो भी ऐसे थे कि आप उस कंप्यूटर पर चले गए हैं, और ये इसको मिनिमाइज़ करें, कोई भी चीज़ कॉपी करनी थी ये आपका पीसी आ गया, तो ये इसमें काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है कि आपने कुछ भी इसको करना है दूसरे को, अगर आपके
कोई ऑफिस में ज़्यादा कंप्यूटर हैं उनके तो आपस में लिंक होता है, कि घर में जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि आपके कोई कंप्यूटर हैं दूसरे कमरे बड़े में तीसरे कमरे में पड़े हुए हैं, उसको आपने कोई भी करना है, कोई उस पर कापी करना है, पेस्ट करना है, या उस पर कोई करना है उसको पीसी को, फॉर एग्जाम्पल आप छत पर पीसी पे कोई काम, या तीसरे कमरे में चौथे जहाँ भी 300 मीटर के अंदर अंदर नेटवर्क पर आपका कंप्यूटर उस पर कोई आपने डाउनलोडिंग लगाई हुई है, तो आप घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप चाहते हैं कि मैं उसको बंद करना हो जाए, आप उधर जाएं, आप इधर से ही उसको एक्सेस करें और उसको शट डाउन कर सकते हैं। जो भी करना है आपने, जो भी प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें एक काम होता है कि जब आप दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो उसका यूज़र अगर उस पर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो लॉग आउट स्क्रीन उसकी ब्लैंक हो जाती है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जब आप इधर से इसको लॉग आउट कर देंगे तो फिर वो वाला यूज़ करना है इसको शुरू कर सकता है, उसको आप वो सारा इसको कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो आज के लिए इतनी ही छोटी सी ये टिप्स थी आपके लिए। है तो ये छोटी सी टिप्स, बहुत सारे यूज़र जो कंप्यूटर के नाले रखते हैं उनको तो ये पता होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र्स हैं जो मेरी तरह के हैं उनको नहीं पता होता ये छोटी छोटी बातों का, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से जो है ना काफ़ी ईजी हो जाती है ज़िंदगी। तो मज़ीद हमारा ये सब सोल्यूशन इस पर है, यूट्यूब पे चैनल है, इसमें हम डालते रहते हैं ये वीडियो जो भी हैं, सॉफ्टवेयर्स की काफ़ी सारी वीडियो इस पर मौजूद हैं, जिस तरह ये इंस्टॉलमेंट का सॉफ्टवेयर है, पॉइंट ऑफ सेल है, हॉस्पिटल क्लिनिक का है, मेडिकल स्टोर का है, पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर है, ये लैंड जो स्कीम्स हैं उसके लिए है, और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये एक वेब पे मौजूद है, इसको कोई भी यूज़ करते हैं, ये मोबाइल शॉप के लिए, चिकन शॉप के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम डेवलप करके इसी उस पर प्लेटफॉर्म पर डाले हुए हैं। तो आपको या किसी भी दोस्त को कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर से हवाले से रहनुमाई चाहिए, या कोई भी कंप्यूटर के हवाले से रहनुमाई चाहिए, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड करें आपको उसकी टाइम पर आगाही मिल जाए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज के लिए इतना ही, मज़ीद किसी अच्छे से सॉफ्टवेयर के साथ या अच्छे से सॉफ्टवेयर या एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।